उनके मन में काफी क्यूरियोसिटी रहती है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है एंड आप कैसे हैं। व्यूअर आप अपने पर्सन को विजुलाइज करिए और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन आपसे ये कहना चाहता है कि उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी वो खुश नहीं है। उन्होंने अपने ऑलमोस्ट सारे गोल्स अचीव कर लिए हैं, जो जो लाइफ में प्लान्स किए थे उन सबको एग्जीक्यूट कर लिया है। उन्हें लगता था कि एक बार वो उन गोल्स को अचीव कर लें तो लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, बट ऐसा नहीं है, बल्कि वो काफ़ी अकेला फील करते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी उनके पास कोई है नहीं जिनसे वो अपनी ये हैप्पीनेस शेयर कर सकें। कोई नहीं है जो उन्हें आके पूछे कि उन्हें कैसा फील हो रहा है या उनसे उनकी फीलिंग्स के बारे में बात करें, उनकी केयर करें। एंड इन सब रीजंस की वजह से वो आजकल थोड़े मायूस और उदास रहते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आपका पर्सन आपको अपने दिल की बात बताना चाहता है। आपका पर्सन काफ़ी टाइम से आपको ये बात बताना चाहता था लेकिन बता नहीं पाया, क्योंकि पहले उन्हें अपने लाइफ गोल्स और पर्सनल लाइफ में फोकस करना था। आपको लगता होगा कि आपका पर्सन तो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है और आप में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता, बट ऐसा नहीं है। आपका पर्सन जो भी कर रहा था वो एक लॉन्ग टर्म गोल को दिमाग में लेके कर रहा था। वो चाहता था कि आपको अपने दिल की बात बताने से पहले उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लिया हो ताकि वो आपके लायक बन सकें। वो आप दोनों के रिलेशन को स्ट्रांग बनाना चाहता था और इसलिए उन्होंने पहले अपनी लाइफ में चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का सोचा। उन्हें आपकी काफ़ी वैल्यू है एंड वो आपको अपने आप से काफ़ी ऊपर समझते हैं, एंड वो आपसे बात करने से पहले अपने आप को आपके लायक बनाना चाहते थे। वो आप दोनों के लिए एक सिक्योर फ्यूचर भी क्रिएट करना चाहते थे ताकि इस कनेक्शन में आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। आई फील लाइक आपका पर्सन आपको ये भी बताना चाहता है कि वो आपके बारे में काफ़ी सोचते हैं। आप में से कुछ लोग अगर एक दूसरे से दूर रहते हैं तो आपका पर्सन अक्सर ट्रैवल करके आपसे मिलने आने का भी सोचता है। हो सकता है कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा हो या आपने उन्हें, एंड शायद अब आप दोनों में उतना कांटेक्ट, उतनी बातें नहीं होती हों, लेकिन आपका ख्याल अक्सर उनके मन में होता है एंड वो आपसे बात भी करना चाहते हैं। उनके मन में काफ़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है एंड आप कैसे हैं। मुझे लगता है कि आप दोनों का ये जो कनेक्शन है ये बहुत ही स्ट्रांग है और ये बात आपके पर्सन को भी अब धीरे धीरे रियलाइज हो रही है। आई फील कि आपका पर्सन अपने करियर और पर्सनल लाइफ में इतना बिजी हो गया था कि वो आपके साथ इस बॉन्ड के बारे में भूल ही गया था, एंड अब उनकी फीलिंग्स वापस आ रही हैं। वो इस रिश्ते को एक नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पिछली बार उन्होंने जो जो मिस्टेक्स की थी उन सबको वो करेक्ट करें एंड इस कनेक्शन को एक नया मीनिंग दें, क्योंकि आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एंड वो आपके बिना रहने का सोच भी नहीं सकते। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर अप्रोच कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी तरफ से ये कनेक्शन एकदम डेड हो या आपने अपने पर्सन से मूव ऑन करने का काफ़ी ट्राई किया हो, बट आपका पर्सन ऐसा होने नहीं देना चाहता और इस कनेक्शन को फिर से रिवाइव करने का ट्राई करना चाहता है। हो सकता है कि पहले इस रिलेशन में बस आपके सारे एफर्ट्स डलते थे और आपको आपके पर्सन की तरफ से उतना सपोर्ट नहीं मिलता था, लेकिन आपका पर्सन आपको अब ये बताना चाहता है कि इस बार वो आपके साथ मिलकर एंड अपना पूरा एफर्ट देकर इस रिलेशन पे काम करना चाहते हैं।
उन्हें धीरे धीरे अपनी लाइफ में आपकी इम्पोर्टेंस का पूरा रियलाइजेशन हो रहा है, और ये रियलाइजेशन उन्हें अपनी लोनलीनेस की वजह से हुई है। मुझे लगता है कि अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने के चक्कर में आपके पर्सन ने काफ़ी लूज़ किया है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी पेन से सफ़र करना पड़ा, एंड अब वो आपको भी खोना नहीं चाहते। वो आपको बताना चाहते हैं कि अब वो पहले की तरह सेल्फिश नहीं हैं, अब वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, एंड आपके साथ मिलकर वापस एक नई शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उनको यहाँ पता है कि चाहे आप उनसे कितना भी नाराज़ क्यों ना हो, बट आप उन्हें कभी भी अकेला फील नहीं होने देंगे। मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि लोनलीनेस ने आपके पर्सन को एकदम चेंज करके रख दिया है। उन्हें रियलाइज़ हो गया है कि लाइफ में चाहे कितनी भी सक्सेस हो, कितना भी पैसा क्यों ना हो, लेकिन जब तक आपके साथ वो हैप्पीनेस शेयर करने वाला ना हो, तो उस पैसे और उस सक्सेस की कोई वैल्यू नहीं होती, वो सिर्फ कोरे कागज़ के बराबर है। इस लोनलीनेस ने आपके पर्सन के मन में आपकी वैल्यू को कई सौ गुना बढ़ा दिया है, एंड उनके लिए अब इस रिलेशन की वैल्यू किसी भी सक्सेस से ज़्यादा है। ओवरऑल आपका पर्सन अपनी पर्सनल लाइफ में फोकस करने और कुछ बड़ा अचीव करने के चक्कर में आपसे दूर चला गया था, लेकिन लाइफ में सब कुछ अचीव करने के बाद भी उन्होंने अपने आप को अकेला ही पाया। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, एंड वो ये सोचते हैं कि आपके साथ खड़े होकर इस रिलेशन को वापस से बिल्ड करना चाहिए। मैं ओरेकल ऑफ द फेरीज की मदद से यूनिवर्स से आपके लिए एडवाइस पूछूंगा। देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या एडवाइस करना चाह रहा है। हिडन डेप्थ्स, ये फेरी आपसे कह रही है कि जो चीज़ आपसे छुपाई गई थी वो जल्द आपके सामने आएगी। ये कोई सीक्रेट या कोई पुरानी बात जैसा कुछ हो सकता है, एंड उसके सामने आते ही आप फ्री हो जाओगे। हिडन डेप्थ्स को महसूस करके आपको अपने पास्ट से फ्री होने के लिए एक स्टेप लेना है, और यही स्टेप आपको लाइट और पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ाएगा। इस कार्ड के जरिए फेरी आपको बताना चाहती है कि आप रेडी हो अपने कनेक्शन की हिडन डेप्थ्स का सामना करने के लिए। क्यों वो आपको मिस करते हैं, जाने स्क्रीन पर शो हो रही इस नेक्स्ट टैरो रीड में। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन ब्लेस यू।